प्रदेश में स्वच्छ हिमाचल स्वास्थ्य हिमाचल अभियान शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान से इस अभियान का शुभारंभ किया। यह अभियान देश में चलाए जा रहे आज़ादी के अमृत महोत्सव की कड़ी का ही एक हिस्सा है। इस वर्ष आज़ादी के 74 वर्ष पूरे होने और 75वें वर्ष में प्रवेश करने को लेकर आयोजित इस अभियान के अंतर्गत सभी जिलों, शहरी निकायों और पंचायत स्तर पर स्वच्छता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बताया कि 15 अगस्त तक चलने वाले इस अभियान में बच्चों के लिए भी अनेक प्रतियोगिताएं करवाई जाएंगी। उन्होंने एक स्वच्छता रैली को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जिसके माध्यम से स्वच्छता प्रहरियों को शिमला शहर के विभिन्न इलाकों में स्वच्छता का संदेश देने के लिए भेजा गया है। स्वच्छ हिमाचल, स्वस्थ हिमाचल, और उसके लिए आज जो है वो एक कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए यहाँ रिज के मैदान से पहल की है। हिमाचल स्वच्छता की दृष्टि से बहुत बेहतरीन प्रदेशों में आंका जाता है। प्लास्टिक को पूर्ण रूप से बैन करने के लिए प्लास्टिक के लिफाफे, प्लास्टिक से बनी जो हमारी ऐसी चीज़ें जो हम आम तौर पर सामान लेने और लाने के लिए जो है वो उपयोग करते थे, उस पर प्रतिबंध लगने के बाद काफ़ी मात्रा में हम प्लास्टिक के उपयोग को रोकने में सफल हुए हैं। लेकिन इस अभियान को और ज़्यादा बेहतर ढंग से लगातार हमको आगे बढ़ाना है, इसलिए पंचायती राज संस्थाओं के चुने हुए प्रतिनिधियों से, नगर परिषद, नगर पंचायत और उसके बाद नगर निगम के हमारे चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से इस अभियान को और ज़्यादा गति दे रहे हैं। राज्य के अन्य स्थानों पर भी स्वच्छ हिमाचल स्वस्थ हिमाचल की शुरुआत की गई।